बेटे के गम में रो रो के मेरी आंखें सूज गईं, और आप उसे घर से निकाल के इतने मजे से सुकून से नाश्ता कर रहे हैं। तुम भी कर लो, किसने रोका है तुम्हें? हाँ, आपको अपने बेटे की कोई परवाह है कि नहीं? ऐसे बेटे की मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है जो अपना फैसला मुझ पे मुसल्लत करना चाहता है। अपने बेटे को तो आपने इस घर से निकलने का हुक्म दे दिया, उस लड़की की भी तो खबर ले ना जिसने मेरे सुफियान को भड़काया है। बिलफर्ज मैं ये मान भी लूं कि उसने उसे भड़काया, तब भी कसूर किसका है? तुम्हारे सुफियान का, कि उस लड़की के बहकावे में आके अपने माँ-बाप से उलझ रहा है। अरे आप नहीं जानते इन लड़कियों की चलतरबाजियों को, और उष्णा आजकल की लड़कियों से चार हाथ आगे है। मैं आपको बता रही हूँ रफाकत, इस लड़की को इस घर से निकाल दे वरना मैं सारी हकीकत खोल के ना खुद निकाल दूंगी। खबरदारी ये करने की कोशिश भी मत करना। याद नहीं है अहद किया था हमने ज़ैनब से कि उसकी बेटी को ये कभी पता नहीं चलने देंगे कि वो उसकी औलाद नहीं है? अरे भाड़ में गया ऐसा अहद, जब मेरा बेटा इस घर से चला गया तो मैं क्यों निभाऊं इस अहद को? अपने बेटे की मोहब्बत में मेरा नुकसान मत कर बैठना। हमारी कामयाबी की बस यही एक कुंजी है। ज़ैनब को इस घर में और इस जायदाद में हिस्सा मांगने से रोकने के लिए फिर हमारे पास कोई चाल नहीं बचेगी। मैं कुछ नहीं जानती रफाकत, मुझसे ये लड़की अब इस घर में बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने कब कहा बर्दाश्त करो? बुलाओ परवीन को, अच्छा सा रिश्ता रहा है, करो शादी, निकालो इस घर से। कम से कम इसकी शादी के बाद तुम्हारे बेटे का जोश भी ठंडा ही हो जाएगा। और तब तक मेरा बेटा घर से दूर रहेगा? हाँ, मेरा ख्याल है उसे घर से बाहर ही रहने दो, दो चार दिन इधर उधर टक्करे मारेगा, आ जाएगा वापस। वो नहीं आएगा रफाकत, जानते तो हैं आप अपने बेटे को कितना जिद्दी है वो। हाँ, लेकिन वो नहीं जानता अभी कि उसका बाप कितना जिद्दी है। मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ होगा, उसने नाश्ता किया होगा कि नहीं। ये मनोज मार गया तो घर में आ गई, और मेरा बच्चा घर छोड़ के चला गया। ये कुर्बत क्या